जयपुर की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। बीजेपी ने अब तक 8 में से 4 पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर नगर से दुया कुमारी, सांगानेर से भजनलाल शर्मा और मालवीय नगर सीट से कालीचरण सराफ को प्रत्याशी घोषित किया है। घोषित किए गए 4 में से 2 प्रत्याशियों का विरोध क्षेत्र में जारी है। शेष रही 4 सीटों पर सही उम्मीदवार ढूंढना बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में शहर के झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विद्याधर नगर सीट से सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध में उतर गए हैं, जबकि विद्याधर नगर सीट से टिकट कटने पर विधायक नरपत सिंह राजवी ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद पार्टी ने दूसरी लिस्ट में नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर विद्याधर नगर के विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन अब सांगानेर की सीट पर विवाद खड़ा हो गया है। यहां से मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लाहौटी के समर्थक भजनलाल शर्मा को बाहरी बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। शहर के जिन 4 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, वो 4 सीटें सिविल लाइंस, हवा महल, किशन पॉल और आदर्श नगर है। इनमें से 3 सीटें वे हैं जहां अल्पसंख्यक जीत या हार तय करते हैं। यहां पर भाजपा अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।